और जैसा माहौल अब बना हुआ है पिपली में, हमें ये आश्वासन है कि जरूर यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट के रूप में अपना आशीर्वाद देंगे। और 6-7 बार यहाँ एमएलए थे, मंत्री भी थे, पर यहाँ कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। यहाँ बेरोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ यहाँ से हमारे बच्चे दूसरे जगहों में पलायन होके जा रहे हैं ढूंढते ढूंढते नौकरी। तो यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है, पर आज तक कुछ भी काम इस पर हुआ ही नहीं। एक भी इंडस्ट्री इस तरफ आया भी नहीं और उसका प्रयास भी किया नहीं है। क्योंकि जब मैं लोगों से पूछती थी तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ एक इंडस्ट्री तो है ही जो बम बनवाने का है, उसी के सिवाय और कोई इंडस्ट्री यहाँ है ही नहीं। तो ये बहुत ही सोचनीय बात है और सोचने की भी बात है। और जैसे महिलाओं का यहाँ बीजेडी इस्तेमाल करती है, खाली महिलाओं को यहाँ वोट देना या लेके आने वाली मशीन समझते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को परिपूर्ण रूप से पूर्णतः उनको सम्मान देती है। जैसे हर एक योजना में महिलाओं को उनकी गौरव करती है, सम्मान भी करती है। जैसे जनधन योजना हो सकता है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो सकता है, मातृत्व वंदन योजना हो सकता है, मातृत्व सुरक्षित योजना हो सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो सकता है, सुकन्या समृद्धि योजना हो सकता है, उज्ज्वला योजना हो सकता है, ये सभी तो मैं खाली कुछ ही योजनाओं की बात कर रही हूँ, पर बहुत सारे ऐसे योजना है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केवल और केवल महिलाओं को सम्मान देने के लिए उन्होंने लेके आए। जैसे शौचालय बनवाना भी हो, ये सब महिलाओं को का गौरव की संरक्षण करने के लिए लेके आए हैं। पर यहाँ ओडिशा प्रदेश में अगर देखोगे कि जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे इनको दिल्ली नहीं, अब लोग समझने लगे कि ओडिशा इज द क्राइम कैपिटल अगेंस्ट वुमेन, और जैसे बच्चों की तस्करण होती जा रही है यहाँ पे, पर इस पर प्रदेश की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसलिए हम यही अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से यहाँ के ओडिशा के लोगों को कि अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, अगर आपकी महिला और बच्चे सुरक्षित रहना है तो और अगर हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी है तो आप जरूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें, और जरूर हमारा पार्टी का स्लोगन ही, नारा ही सबके साथ सबका विकास है और सेवा ही संगठन है। इसलिए हम सेवा में जुट जाएंगे आपके, जब आप हमको जरूर, जैसे हमारा आश्रित भाई हारने के बाद भी यहीं पे रहते हुए इस असेंबली की डेवलपमेंट पर उन्होंने ध्यान दिया, लड़ा बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर। इसलिए अगर लोग हमको आशीर्वाद देंगे तो जरूर हम इस पिपली असेंबली की डेवलपमेंट पर जरूर ध्यान देंगे। जो माहौल देख रहे हैं, क्या इतिहास रचेगा बीजेपी? नहीं, लगता है कि जरूर लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि त्रस्त गए हैं और गुस्सा भी है लोगों के मन में। क्योंकि अगर आप देखते हो तो फणी तूफान आई थी, पर उसका जो कॉम्पेंसेशन मिलना है अभी तक लोगों को नहीं मिला। इसलिए लोगों के मन में गुस्सा है, चाहते हैं परिवर्तन लाने का। इसलिए हम मानते हैं कि जरूर भारतीय जनता पार्टी को वो आशीर्वाद देंगे। नहीं नहीं आज पूरा पिपली असेंबली में हम जाएंगे ही, और महिलाओं के साथ भी बैठेंगे, उनको भी समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनके सम्मान के लिए क्या क्या काम करे, वो सब हम उनको बताते जाएंगे।